और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं मैं क्या, दिखाती हूं पहले। वाओ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं आपको बता देती हूं, ये मुझे पीआर पैकेज रिसीव हुआ है, ब्रांड ने खुद ने मुझे भेजा है, मैंने कोई इसे परचेज नहीं किया है। एंड इस तरह से ये एक बहुत ही प्यारा लग्जूरियस पैकेजिंग के साथ मुझे रिसीव हुआ है। एंड अभी मैं इसे ओपन कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ बैक साइड से। देखिए आप, इस तरह से लिखा हुआ है ओ, ये लॉरियल पैरिस। वाओ, कितनी लग्जूरियस पैकेजिंग के साथ में इन्होंने इतना अच्छे से भेजा है। और जो ब्रांड ने जितने भी फाउंडेशन के शेड्स निकाले हैं ना, लेकिन पूरा हमें सभी शेड्स उन्होंने भेज दिए हैं, ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। आप देख सकते हैं 24R मैट फाउंडेशंस हैं ये, एंड 01 से लेकर 08, मतलब 8 शेड हैं टोटली मेरे पास। तो मैं आपको रिव्यू दिखाती हूँ, ठीक है। और अभी आप जो मेरा मेकअप देख रहे हैं ना, ये पूरा मैंने इसी फाउंडेशन के साथ में अपना मेकअप क्रिएट किया है। एंड बहुत ही ज़्यादा, आप खुद देखो कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, मेरा जो शेड है वो 106 है। 105 भी मैं लगाऊंगी तो मेरा सही जा रहा था, एंड 106 भी सही जा रहा था, बट मैंने सोचा चलो 106 के साथ में मेकअप किया जाए। तो मैंने यहाँ पर अभी पूरा 106 अपना मेकअप क्रिएट किया है। तो ये इस तरह की पैकेजिंग के साथ आपको रिसीव होता है, छोटा सा ट्यूब है, एंड बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, होगा क्योंकि एक ट्यूब में हमें मिलता है। एंड इसे आप बहुत ही अच्छे से अपने पर्स के अंदर कैरी कर सकते हैं, कहीं पर भी साथ ले जा सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही छोटी सी ट्यूब के साथ में है। एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो है 30 ml क्वांटिटी में प्रोडक्ट मिलेगा। एंड इस पर लिखा हुआ है लॉरियल पैरिस 24 आवर्स फाउंडेशन इनफॉलिएबल प्रो मैट फाउंडेशन एंड डेमी मैट फिनिश देता है ये। आप जब इसे लगाएंगे ना गाइस, तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन पे बहुत ड्राई हो रहा है या बहुत ऑयली फील करा रहा है, मतलब डेमी मैट लुक दे रहा है। अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आपको ऊपर से लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये मैट फिनिश दे रहा है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा मैट नहीं दे रहा, डेमी मैट दे रहा है, ठीक है। मतलब ना मैट ना ही ऑयली बनेगा, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ आप लोगों को ये बहुत ही लाइट टेक्सचर का है, आप देख सकते हो मेरी स्किन पे मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैंने कोई फाउंडेशन लगाया। अदरवाइज कोई हम फाउंडेशन लगाते हैं तो एकदम हैवी फील होता है ना, कि बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा स्किन पे आपने कुछ फाउंडेशन लगा रखा है। एंड ऑयल फ्री है ये, और मेरा जो शेड है 106 सन बेज, आप पीछे बैक साइड में देखेंगे तो इस तरह से इसमें है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको जो फिनिश देता है वो डेमी मैट देता है, वियर अप टू मतलब टोटल 24 आवर्स तक रहता है। इसे मैंने दो बार ट्राई किया अभी आपके सामने, और एक जब ये मुझे पैकेट मिला था ना, तब मैंने इसे पूरे दिन लगाकर देखा था। तो ये मुझे मतलब जिस दिन मिला था उसके सेकेंड डे मैंने इसे पूरे दिन लगाया था, और मतलब ये समझ लो कि जब मैंने इसे मेकअप किया ना गाइज, तो उस वक्त एक घंटे मेरा मेकअप मतलब मैंने किया जब मुझे अच्छा फील हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा था ना, तो ये अपना और भी अच्छे से मतलब फेस के ऊपर, स्किन के ऊपर सेट हो रहा था, एंड एक अलग ही लुक क्रिएट हो रहा था। मतलब इतना ज़्यादा चेहरा ग्लो कर रहा था और भी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था, मतलब जैसे जैसे टाइम निकल रहा था तो और भी ज़्यादा लुक आ रहा था अच्छा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना, मैं हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ आपको इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा आपको कवरेज दे रहा है एंड बहुत ही अच्छा आपको फिनिश देगा। एंड इसके अंदर टेक्सचर जो है इसका बहुत ही एयर लाइट टेक्सचर है, और अगर आपकी टी जोन एरिया या यहाँ पर इधर आपको ऑयली बहुत ज़्यादा निकलता है ना, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ज़रूर जो कॉम्पैक्ट होता है इसके बाद में कॉम्पैक्ट यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ वैसे ये डेमी मैट है तो आपको कॉम्पैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, लेकिन ऑयली स्किन वाले कर लीजिएगा। और बस ये सारा मैंने आपको बता दिया, अभी आप एप्लीकेशन भी देखिएगा मैंने इसे कैसे अप्लाई करके पूरा अपने फेस पर बताया है। एंड अभी जब मैंने इसका फाउंडेशन यूज़ किया ना, तो गाइज लिटरली बता रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस प्रोडक्ट के साथ में। एंड आपको बताने के लिए मैं इतनी ज़्यादा बेताब थी कि मतलब सेकंड या थर्ड डे ही है, मतलब दो दिन ही हुए हैं, और मैंने कहा जल्दी से मुझे वीडियो बनानी है, आप लोगों को बताना है, क्योंकि अभी काफ़ी मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि हम लोग कौन से प्रोडक्ट परचेज करें हैं ना। इसमें टोटली 8 शेड हैं और आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो अभी मैं सारे शेड आपको यहाँ स्वेचेस करके बता रही हूँ, आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपका स्किन टोन कौन सा है, कैसा है, और आप उसके अकॉर्डिंग सारे शेड देख कर वो शेड परचेज कर सकते हैं। मतलब ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वीडियो, तो आप इसे सभी
के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके पास फाउंडेशन है या आपने परचेज कर लिया है या आप ये ले लेंगे ना, तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी फाउंडेशन लेना चाहें तो ये शेड्स देखकर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम स्वेचेस की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद में आप देखिएगा एप्लीकेशन जो कि मैंने करके बताई है। फाउंडेशन का एप्लीकेशन करने से पहले मैं अपने स्किन को बहुत ही अच्छे से पूरा स्किन केयर करती हूँ, क्योंकि कोई भी फाउंडेशन लगाने से पहले आपको ये स्किन केयर फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो मैंने लिप केयर लगा लिया है एंड आपको कोई भी फेस वॉश के बाद में एक टोनर अच्छा सा ले लीजिए। अब मैं यहाँ पर वाव का टोनर यूज़ कर रही हूँ। अगर इसका आपको देखना है रिव्यू तो मेरे चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके बाद में मैं अपने फेस पर अच्छा एक सीरम या फिर फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मुझे इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है, स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ तो पर मैंने गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल लिया है, ऑर्गन फेशियल ऑयल। एंड अब मैं गुड वाइब्स का या कोकोनट जो मॉइस्चराइज़र क्रीम है, ये बहुत ही अच्छा क्रीम है, तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने पूरे फेस के ऊपर। आप देखेंगे इस तरह, बस ये तीन आपको चीज़ें ज़रूर करनी है एंड उसके बाद ही आप कोई भी फाउंडेशन लगाइए। और इसके बाद में आप एक प्राइमर ज़रूर लगा लीजिए, ताकि आपका फाउंडेशन अच्छा लगे एंड लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो उसके बाद अब मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, तो आपको पहले मैं एक ही साइड में एप्लीकेशन करके बताऊँगी, जिससे आप कंपेरिजन कर पाएंगे दोनों साइड का, कि इसने कितना अच्छा आपको एक फिनिश दी है एंड कवरेज कैसा है। मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं, कमी फाउंडेशन लिया है एंड स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। स्पॉन्ज से एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो फाउंडेशन है वो एक्सेस फाउंडेशन होता है, वो पूरा इसके अंदर आ जाता है स्पॉन्ज में, एंड आपकी स्किन को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना ही वो रहता है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने बिल्कुल कमी लिया था एंड मेरी स्किन पर जितना लगना चाहिए उतना लग गया, बाकी स्पॉन्ज ने अपने ले लिया है। और अभी आप देख सकते हैं फिनिश कितनी नेचुरल फिनिश लग रही है, आप दोनों साइड देखेंगे तो आप कंपेरिजन कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको कवरेज ज़्यादा चाहिए ना, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वान्टिटी में लेकर लगा सकते हैं एंड इसने बहुत अच्छा कवरेज दिया है। लिटरली आप देख सकते हैं मेरा फेस एक अलग ही लुक आ रहा है। और यहाँ पर जो मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ना, वो आपको पता है मेरा शेड 106 है, ठीक है, 105 भी है एंड 6, तो मैं यहाँ पर 6 का एप्लीकेशन आपको दिखा रही हूँ। की जो शेल्फ लाइफ है वो आपको 3 इयर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाएगी एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी है वो 30 ml का प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलेगा एंड इसकी जो MRP है वो आपको 750 rupees MRP मिलेगी। एक्चुअली इसकी जो MRP है वो पहले ज़्यादा थी, 1025 था, बट ये थोड़ा कम हो गया है और अभी 750 rupees इसकी MRP है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
तो और हो सकता है आप ऑनलाइन इसे परचेज करें तो वहां पर कोई ना कोई डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, कोई ऑफर होगा तो उस ऑफर में भी आप ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा एंड अपने लिए एक फाउंडेशन जरूर परचेज कर लेना। मैं हाईली रिकमेंड कर रही हूँ, एक फाउंडेशन लेकर जरूर देख लेना अगर आप फाउंडेशन खरीदने का सोच रहे हैं। तो ये वीडियो पसंद आई है, ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, सभी के साथ शेयर करिए। एंड मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल पर आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेगी। एंड अगर आपको ये लिप शेड पसंद आ रहा है ना तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिप शेड भी मैंने लॉरियल ने मुझे ये इससे पहले ये भी सेंड किया था जिसमें लिप्स जो है ये सारे लिप कलर, तो इसी में से मैंने एक शेड लगाया है जो कि है 103, ये वाला ये शेड मैंने लगाया है, आप देख सकते हैं। और इसका भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है पूरा सारे लिपस्टिक के जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है लिपस्टिक्स, तो इसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में यानी वीडियो का, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, अपना ध्यान रखिए, बहुत 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 सारा बाय।